फ्रेंड्स, वेलकम टू माय एसवाई एजुकेशन फॉर्मेशन चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, यहां पर खुशखबरी, 2006 के पहले के पेंशन भोगियों की बढ़ेगी पेंशन। पेंशन में जो है होगा रिवीजन, 2006 के बदलाव, पेंशन भोगियों के बराबर मिलेगी पेंशन। यहां पे अपडेट है, बहुत ताज़ी अपडेट लेकर के प्रेजेंट है। वेतन आयोग आने के कारण या पेंशन में संशोधन होने के कारण जो बाद में रिटायर पेंशन भोगी होते हैं तो उनकी पेंशन तो बढ़ जाती है, लेकिन जो पहले से रिटायर होते हैं तो ऐसे पेंशन भोगियों की पेंशन में संशोधन नहीं किया जाता है। उसी को लेकर के 20/3/2024 को दिल्ली हाई कोर्ट ने बहुत ही बड़ा महत्वपूर्ण फैसला लिया है। हेडलाइन देखेंगे दिल्ली हाई कोर्ट का बड़ा फैसला क्या है, लगातार हमारे चैनल पर बने रहिएगा। और क्या था, 18/11/2009 के सर्कुलर में जो है बड़ी संख्या में पहुंचे पेंशन रिवीजन के लिए अप्लीकेशन। केंद्र सरकार ने लिया बड़ा फैसला, पेंशन भोगी पहुंचे दिल्ली हाई कोर्ट। दिल्ली हाई कोर्ट ने केंद्र के फैसले को ठहराया वैध। भारत पेंशन भोगियों समाज ने बड़ी मांग की। लगातार बने रहे हेडलाइन पे, बताते हैं। पहले नंबर पे हमने बताया कि दिल्ली हाई कोर्ट का बड़ा फैसला क्या था। आपको बता दूं कि 20/3/2024 को दिल्ली हाई कोर्ट ने एक महत्वपूर्ण फैसला सुनाया, जिसमें जो है केंद्र सरकार के 18/11/2009 के आदेश को रद्द कर दिया। दिल्ली हाई कोर्ट ने केंद्र सरकार के इस आदेश को रद्द करते हुए कहा कि यह जो है पूरी तरह से अवैध आदेश है। 20/3/2024 को दिल्ली हाई कोर्ट ने श्री SP वेंस और श्री DS नकारा के मामलों में सुप्रीम कोर्ट द्वारा स्थापित कानूनी मिसालों के साथ विरोधाभास हवाला देते हुए केंद्र सरकार के 18/11/2009 के विज्ञापन को, ज्ञापन जो था उसको रद्द कर दिया। अब देखते हैं क्या था 18/11/2009 के सर्कुलर में। तो आपको बता दूं कि सुप्रीम कोर्ट ने 9/9/2008 को एक फैसला दिया था, जिसमें कहा था कि एक ही रैंक से रिटायर्ड पेंशन भोगियों की पेंशन समान होनी चाहिए, चाहे वह डिफेंस के हो या सिविल के केंद्रीय पेंशन भोगी हो। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि वेतन आयोग आने के कारण या पेंशन में संशोधन होने के कारण अगर पेंशन में सुधार होता है तो जो पेंशन का फायदा बदलावे पेंशन धारकों को दिया जाता है, वही फ़ायदा पहले ही रिटायर हो चुके पेंशन धारकों को भी मिलना चाहिए। अब सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यह केवल डिफेंस के पेंशन भोगियों के लिए लागू नहीं होगा, बल्कि सिविल केंद्र सरकार के अंतर्गत जितने भी पेंशन भोगी हैं सभी के सभी पेंशन भोगियों के ऊपर लागू होगा। बड़ी संख्या में पहुंचा पेंशन रिवीजन के लिए अप्लीकेशन। दिनांक 9/9/2008 को दिए गए सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के बाद बहुत सारे पेंशन भोगी जो सिविल डिपार्टमेंट से रिटायर हुए थे वे भी अपनी पेंशन रिवीजन करवाने के लिए जो है अप्लाई करने लगे। अब सरकार के सामने एक बड़ा सवाल पैदा हुआ कि इतने सारे पेंशन भोगियों की पेंशन रिवीजन किस प्रकार की जाएगी। केंद्र सरकार ने लिया बड़ा फैसला, क्या फैसला लिया, लगातार बने रहिए। जिसके बाद तत्कालीन केंद्र सरकार ने मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस और मिनिस्ट्री ऑफ लॉ के साथ इसकी चर्चा की, और चर्चा करने के बाद यह फैसला लिया कि इस तरह का बेनिफिट सिविल केंद्रीय पेंशन भोगियों के ऊपर लागू नहीं होगा। तत्कालीन केंद्र सरकार ने 18/11/2009 को एक आदेश जारी किया और कहा कि सुप्रीम कोर्ट का यह आदेश केवल डिफेंस पे लागू होगा और सिविल पेंशन भोगियों के ऊपर यह जो है लागू नहीं किया जाएगा। तो उम्मीद करते हैं पेंशन भोगी पहुंचे दिल्ली हाई कोर्ट, केंद्र सरकार के इस आदेश को लेकर के सिविल पेंशन भोगियों में नाराज़गी देखने को मिली और बहुत सारे पेंशन भोगियों का समूह इसके खिलाफ याचिका लेकर के दिल्ली हाई कोर्ट में पहुंच गया। दिल्ली हाई कोर्ट में यह मामला लंबे समय तक चलता रहा। दिल्ली हाई कोर्ट ने केंद्र के फैसले को ठहराया अवैध। अब ऐसे में दिल्ली हाई कोर्ट ने 20/3/2024 को एक फैसला दिया, जिसमें कहा कि केंद्र सरकार का 18/11/2009 का सर्कुलर अवैध है और हाई कोर्ट ने कहा कि पेंशन रिवीजन का फायदा डिफेंस पेंशन भोगियों के साथ ही साथ
सिविल पेंशन भोगियों को भी दिया जाएगा। भारत पेंशन भोगी समाज की बड़ी मांग दिनांक 20/3/2024 को दिए गए दिल्ली हाई कोर्ट के फैसले के बाद अब भारत पेंशन भोगी समाज ने केंद्र सरकार से बड़ी मांग की है, दिल्ली हाई कोर्ट के आदेश का पालन किया जाए और 2006 से पहले के सभी पेंशन भोगियों को 1/1/2006 के बाद रिटायर पेंशन भोगियों के बराबर लाने के लिए पेंशन में रिवीजन का आदेश तत्काल प्रभाव से जारी किया जाए। तो पेंशन भारत में पेंशन भोगी समाज ने कहा कि यह संशोधन न केवल न्याय का मामला है बल्कि राष्ट्र की सेवा करने वाले समर्पित कर्मचारियों के प्रति कानूनी दायित्वों की पूर्ति भी है। भारत पेंशन भोगी समाज ने केंद्र सरकार से अपील की है कि इस मामले पर शीघ्र ही ध्यान दिया जाए और उचित कार्रवाई किया जाए। तो दोस्तों, इस तरह की कोई भी पेंशन से रिलेटेड अपडेट मिलेगा आपको ज़रूर प्रोवाइड करूँगी। हमारे चैनल पर लगातार बने रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। गॉड ब्लेस यू।